धीरज साहू को वापस मिलेंगे पैसे? जानिए आयकर विभाग जब्त 391 करोड़ रुपए का क्या करेगा। आप देख रहे हैं बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। हर नए खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। आयकर नियम के अनुसार अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स के साथ साथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और पेनल्टी लगाया जा सकता है आयकर विभाग ने। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद के ठिकानों से 351 करोड़ का कैश बरामद किया है। घर के कोने कोने में रखी 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डियां इतनी मिली कि आयकर विभाग का भी माथा ठनक गया। नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगाई गईं, लेकिन उनकी भी सांसें फूलने लगीं। बाद में कुछ और मशीनें और अधिकारियों को गिनती के लिए शामिल करना पड़ा। जानिए अब इस बरामद कैश का आगे क्या होगा। दरअसल आयकर विभाग आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने 6 दिसंबर को धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। 5 दिन तक उनके घर पर तलाशी अभियान चला और बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ। साहू के ठिकानों से 381 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। आयकर विभाग ने कुल 176 बैग में से 140 बैग की गिनती पूरी कर ली। आयकर विभाग का कहना है कि यह अब तक का पकड़ा गया सबसे बड़ा काला धन है। इन ठिकानों पर हुई छापेमारी आयकर विभाग की एक कार्रवाई शराब लिकोर से जुड़े कारोबार में टैक्स चोरी की आशंका में शुरू हुई थी। विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में शराब कारोबार से जुड़ी कंपनी के ठिकानों पर छापे मारे। इसमें बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बिवरेज लिमिटेड जैसी कंपनियों का नाम शामिल है। झारखंड के रांची और लोहरदगा के अलावा ओडिशा के बलांगीर, संबलपुर, रायडीह इलाकों में छापेमारी हुई है। वही आपको बता देते हैं कि धीरज साहू को वापस मिलेंगे पैसे, कब और कैसे मिलेगा इसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। हर नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।